केजरीवाल का जवाब। जी हाँ, केजरीवाल का जवाब आया है, सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। सबन गैर कानूनी, फिर भी दूंगा जवाब। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, 12 मार्च के बाद ईडी दे कोई तारीख, उसमें मैं हाजिर हूंगा। केजरीवाल ने वर्चुअली जवाब देने की बात कही है। केजरीवाल को ईडी के समक्ष आज होना था पेश, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि असंवैधानिक समन है, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा। 12 मार्च के बाद कभी भी कोई तारीख दे, मैं वर्चुअली अपना जवाब जो है वो दूंगा। ये बड़ी खबर, 12 मार्च के बाद ईडी दे कोई तारीख, अरविंद केजरीवाल का ये बयान। इस बीच आज ईडी के समक्ष पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, तो ईडी के 8वें समन पर केजरीवाल ने अपना ये जवाब जो है वो दिया है, सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। और दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज ईडी के 8वें समन में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन अब उनका ये जवाब आया है कि 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख दें। देखिए, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर से ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी के सामने नहीं पेश होते हुए नजर आएंगे, बल्कि इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि आपके जो समन है वो सभी गैर कानूनी है, लेकिन मैं फिर भी आपके समक्ष जो है पेश होने के लिए तैयार हूं। आपको यानी ईडी की बात करें तो उनको जो समन है वो 12 तारीख के बाद तक कभी भी जो है देते हुए नजर आए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेश होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है ईडी को जवाब जो है कहीं ना कहीं दिया गया। ऐसे में ये नई तरीके की हम बात की जाए तो जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे कारण भी ये कि हमने देखा किस तरीके से जो अब तक जितने भी नेता ईडी के समक्ष पेश होते हुए नजर आए हैं, जिसमें हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, या फिर अन्य नेताओं की बात करें, उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई थी, और इसी का डर आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा, और इसलिए अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बेशक वो जो है ईडी के समक्ष पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पेशी है वो कहीं ना कहीं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो समन गैर कानूनी उन्होंने बताया, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान, ये जवाब, यहाँ पर ईडी द्वारा 8वां ये समन जो है वो दिया गया था, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, जबकि उनका जवाब ये आया है कि ये जो समन है वो गैर संवैधानिक है, और लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा, और 12 मार्च के बाद कभी भी तारीख दे दे, मैं वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना जो जवाब है वो ईडी के समक्ष रखूंगा।